ये होटल के लोग भैया 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 ये लोग होटल के लोग नहीं 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 भैया हमारी टीम अच्छा टीम सिविल है अच्छा अच्छा लोग बनवा साइकिल में आ रही माय लाइट में भैया आईडी का आओ सफाई का काम करता हूं साहब मैं सफाई का काम करता हूं साहब ये नीचे करो हाथ नीचे करो ये वाला और नीचे करो हाथ हाथ हटाओ अरे कब से चल रहा है भाई नीचे करो हाथ भाई अरे साहब नहीं ना दीजिए साहब ये कब से चल रहा है ये बताओ नीचे पूछे साहब अभी तो एक महीना में रखा हुआ आने का यहाँ सेटिंग नहीं हो पाई थी क्या एक मिनट भैया क्यों हम लोग का बना लेते हैं यार बाद में बना लेना मेरे भाई क्या कर रहे हो बीच में घुस रहे हो यार अमन भाई जरा पीछे जाओ डीसीपी आकाश पटेल जी ये होटल पे छापा मारने के लिए आए हैं और ये पकड़े गए हैं आपको वो छुपा रहे हैं तो छुपाना भी चाहिए क्योंकि कम बहुत अच्छे नहीं किए हैं समाज विरोधी कम किए हैं इस होटल में आकाश पटेल जी ने खुद छापा डाला है ये देखिए तीन महिलाएं भी हैं जा रही हैं इनको ले चार महिलाएं हैं चार पुरुष इनको लेकर के पुलिस जा रही है सर अरे कहाँ नाच रहा है इसमें घुस जाएगा चला जाएगा अबे भाई बहुत उलझन की हो ये थाना फील खाना क्षेत्र में एक लॉज या होटल जैसा है इसका नाम रॉयल गैलेक्सी है यहाँ पे सूचना लगातार आ रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग मिलके एक काइंड ऑफ सेक्स रैकेट टाइप का चलवा रहे हैं तो उस जानकारी पे टीम ने यहाँ पे छापा मारा है और इसमें जो हमें यहाँ पे तीन लड़कियाँ मिली हैं और एक व्यक्ति है जो कस्टमर है वो मिला है बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम मिले हैं और कॉन्डम के पैकेट्स बहुत सारे मिले हैं इसके अलावा बियर की बॉटल शराब की बॉटल्स वो भी काफ़ी सारी पीछे पड़ी मिली हैं जो ये रॉयल गैलेक्सी है इसका मालिक जो अभी तक की जानकारी है कि अश्विनी गुप्ता या आशु गुप्ता इसको कहते हैं वो है और उससे समरजीत नाम के एक व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था वो इसको चलवाता था यहाँ पर ऑपरेट करने में जो ये जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था इसमें एक व्यक्ति है गया शंकर तिवारी और एक महिला है पूजा यादव ये दोनों मिलकर इसमें बेसिकली दलाली का काम करते थे
और जो इसमें रेट था ये 600 रुपये एक काम के लेते थे, जिनमें से गया शंकर और पूजा इनको 100 रुपये मिलते थे और ऐसे ही 150 रुपये लड़कियों को मिलते थे। सर ये लड़कियाँ कहाँ से प्रोवाइड कराई, लड़कियाँ कस्टमर की हैं कि होटल की तरफ से प्रोवाइड कराई? इसमें जो तीन लड़कियाँ हमें मिली हैं वो लड़कियाँ जो यहाँ के दलाल के लिए जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से थी। इसके अलावा कुछ कपल्स को भी दिया जाता था, बट कपल्स को देना कोई अपराध नहीं है तो वो एक पूरा अलग एस्पेक्ट है। जो लड़कियां होटल की तरफ से यहाँ प्रोवाइड करी आती थी उन पे भी चूंकि IMTP जो एक्ट है उसमें जो महिला है उसको पीड़िता ही माना जाता है, अपराधी नहीं माना जाता, तो उससे हम उस तरीके से कार्रवाई करेंगे। जो मेन अपराध है वो दलालों, होटल मालिक और जिसने रेंट पे ले रखा है उसका मान के तय किया जाएगा और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। लड़कियाँ यहीं की हैं, कुछ एक आधी उन्नाव जनपद की भी हैं, वो इनका फिक्स नहीं था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से आती थी। इस बारे में हम जानकारी कर रहे हैं कब से चल रहा है, मेरे पास सूचना आई थी तो मैंने काम करवाया है, थाना पुलिस का भी सहयोग रहा है, बट अगर ऐसी कोई बात सामने आती है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं जाँच कराऊंगा और जो भी इसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।